राजधानी दिल्ली में अब मास्क पहनना एक बार फिर से अनिवार्य हो गया। तो ये बेहद जरूरी खबर, मास्क न पहनने पर अब दिल्ली में जुर्माना लगेगा। देश भर से बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबरें सामने आई हैं। जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। यूपी बोर्ड में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को इस साल के एग्जाम में भी 70% सिलेबस ही आएगा। 10वीं और 12वीं के कोर्स में ये कटौती लगातार तीसरे साल जारी रहेगी। साल 2023 में परीक्षा में 70% पाठ्यक्रम पूछे जाएंगे। बोर्ड परीक्षा 70% कोर्स से ही ली जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल को लेकर आदेश जारी हो चुका है। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा फरवरी या मार्च में आयोजित करवाई जाएगी। यदि आप अपने राज्य से जुड़ी संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें। वीडियो को पूरा जरूर देखें। मध्य प्रदेश में बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। इन परीक्षाओं का आयोजन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जल्द ही घोषित हो सकता है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन UBSC द्वारा परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने से लेकर कोविड प्रोटोकॉल के पालन तक इस दौरान सभी नियमों का पालन किया जाएगा। 12 फरवरी से शुरू हुए ये एग्जाम 19 अप्रैल तक चलेंगे। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साथ ही हो रही हैं और दो पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।